नमस्ते, आई एम डॉक्टर पुनीत कोचर। मैं एलेक्सा फर्टिलिटी सेंटर नॉर्थ दिल्ली में IVF एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट मेल इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंसीव फॉर ट्राइंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ वन ईयर आफ्टर हैविंग रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। माने अगर आप एक साल से ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे, इसे हम इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। नाउ फीमेल्स एंड मेल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी के कारण उतने ही मेल में पाए जाते हैं, उतने ही आदमी में पाए जाते हैं जितने की औरत में पाए जाते हैं। ये बात हमारी सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अ लॉट ऑफ एल्डरली पीपल जो घर के बूढ़े बूढ़े होते हैं, उनको ये लगता है कि मेरे बेटे में कोई दोष नहीं है। इवन मेन थिंक दैट इट इज़ अ फीमेल हु इज़ एट फॉल्ट। मोस्ट पीपल वुड वॉन्ट द फीमेल टू अंडरगो टेस्ट। इन फैक्ट टेस्टिंग अ मेल इज सिंपलर। आदमी की फर्टिलिटी पोटेंशियल जानने के लिए हमें सिर्फ एक सीमन एनालिसिस करना होता है, जो कि एक बहुत सरल टेस्ट है। एज कम्पेयर टू दिस, फीमेल्स हैव टू अंडरगो अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ट्यूब्स, जो हम आज नहीं कवर करेंगे। सो वॉट वी डू टू चेक फॉर अ मेल्स फर्टिलिटी इज अ सीमन एनालिसिस। सीमन सैंपल मास्टरबेशन द्वारा दिया जाता है, जिससे पहले की 3 से 5 दिन का आपस में इंटरकॉर्स रखे गैप देना जरूरी रहता है। इस सैंपल में हम स्पर्म की संख्या काउंट, मोटिलिटी माने उसकी तैरने की कैपेसिटी, मॉर्फोलॉजी माने कितना परसेंट स्पर्म नॉर्मल है और उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं, ये चीज़ों की जांच करते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मेल में प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। अब यदि मेल में प्रॉब्लम पाई जाती है, इट कुड बी अ माइल्ड प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है मेल में प्रॉब्लम है तो हमें IVF ही कराना पड़ेगा। इट कुड बी अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा, लाइक क्विटिंग स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, मे बी चेंज इन द लेवल ऑफ एक्सरसाइज दैट द मैन इज डूइंग, चेंज इन टेम्परेचर लेवल। सम पीपल एक्सरसाइज फॉर 4 आवर्स। कई लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे ड्राइवर्स होते हैं, स्पेसिफिकली दोज हु आर राइडिंग 2-व्हीलर्स एंड दे आर ड्राइविंग फॉर 4-5 आवर्स अ डे। सो दीज आर सिंपल थिंग्स जो उनको पता नहीं है उनकी स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी को कम कर रहा है। सो कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस द्वारा स्पर्म काउंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, मोटिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन देर आर सिंपल मेडिसिन विच आर वाइटामिन्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स। ये दवाइयाँ हमें आम तौर पे खाने में मिलती हैं, बट बिकॉज वी आर नॉट कंज्यूमिंग एनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे कैन बी गिवन एज सप्लीमेंट्स। सो इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि कोएंजाइम Q, जिंक, सेलेनियम। इन टैबलेट्स को नॉर्मली 2 से 3 महीने देने के बाद सीमन पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। So these are simple measures which can be adapted to improve the male fertility. Now, if they are not improving the male fertility, let's say हमने किसी को ये दिए और हमें 3-4 महीने में improvement नहीं मिला, then we start thinking of procedures. Now ये तब जब mild factor था, mild male factor था। यदि यही severe male factor है, मान लीजिए sperm count less than 5 million per male आ रहा है, या sperm की तैरने की capacity, motility बहुत ही minimal है, ठीक है, ऐसे केसेस में इट इज़ बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन ट्राइंग नेचुरली और थ्रू माइल्डर प्रोसीजर्स। इट इज़ बेस्ट टू गो इन फॉर एन IVF एंड एन ICSI प्रोसीजर क्विकर। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में IVF के बजाय ICSI प्रेफर किया जाता है, जिसमें कि एक स्पर्म को जो कि नॉर्मल है, हायर पावर मैग्निफिकेशन में चूज करके एक पतली सी नीडल माइक्रोमैनिपुलेटर के थ्रू एग के अंदर, ओसाइट के अंदर डाला जाता है। सो प्रैक्टिकली वी आर ब्रिंगिंग द एग एंड द स्पर्म क्लोज टुगेदर एंड कॉजिंग और ब्रिंगिंग अबाउट अ फर्टिलाइजेशन। जो शुक्राणु अपने आप पैर के एग के अंदर नहीं जा पा रहा था, उसे हम अंडे के अंदर डाल देते हैं और ऐसे एम्ब्रियो या बच्चा क्रिएट किया जाता है। इसके आगे का प्रोसीजर IVF और ICSI में सिमिलर रहता है। कई केसेस में मेल स्पर्म या तो इतना लो होता है कि उसमें मोटिलिटी है ही नहीं, 0% है, या हो सकता है काउंट भी 0 रहे। ऐसे केसेस में मेल में से भी सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल किया जा सकता है। सो देर आर प्रोसीजर्स लाइक पीजा, टीजा, जिसमें हम एक छोटी सी नीडल डाल के स्क्रोटम में से डायरेक्टली स्पर्म को निकाल सकते हैं और इससे बच्चा करने की कोशिश की जा सकती है IVF ICSI द्वारा। सो ऐसा नहीं है कि मेल फैक्टर अगर डायग्नोज होगा तो दुनिया आपको कुछ लेबल कर देगी। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट फियर ऑफ बीइंग लेबल्ड इनफर्टाइल, नंबर वन। नंबर टू, ऐसा नहीं है कि मेल फैक्टर डायग्नोज होगा तो आपको डोनर स्पर्म लेना पड़ेगा। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव प्रैक्टिकली 0.1 मिलियन काउंट एंड दे कंसीव विद देयर ओन स्पर्म। सो
इट इज पॉसिबल बट यू हैव टू कम फॉर ट्रीटमेंट. एक डॉक्टर को कंसल्ट करिए, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए. डोनर स्पर्म इज अ लास्ट रिजॉर्ट एंड येस इट इज अ चीपर रिजॉर्ट. सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड IVF, इट इज अ क्विकर एंड चीपर रिजॉर्ट. बट इट इज नॉट मैंडेटरी. जरूरी नहीं है कि डोनर स्पर्म की ही जरूरत पड़ेगी. अगर स्पर्म पैरामीटर्स बहुत खराब हैं तब भी नहीं, आप अपने स्पर्म द्वारा कंसीव कर सकते हैं. सो इफ यू वॉन्ट एनी मोर डिटेल्स अबाउट दिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स प्रोवाइडेड एंड वी आर हियर टू हेल्प यू. थैंक यू.